तार फेंसिंग के खंभे तोड़ने और शिवलिंग को ठोकर मारने के विरोध में सड़क पर बाइक लगाकर चक्का जाम किया है। बारिश के चलते भी त्रिपाल लेकर भजन बंदगी करते हुए नजर आए ग्रामीणों को अफसर ने समझाइश भी दी। ग्रामीण वन विभाग के अफसरों के आने के बाद भी अड़े रहे ग्रामीणों ने कहा कि 200 खंभों के साथ मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया गया है। टीआई और तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे और वन विभाग की कार्यवाही के विरोध में दोपहर 2 बजे ग्रामीण जन कार्यालय पहुंचे तो वन कार्यालय के अधिकारी मौजूद नहीं पाए गए। वन विभाग भिकनगांव के अधिकारियों ने कहा कि हम उचित कार्यवाही करेंगे। जीर्णिया से सुखदीप सिंह भाटिया की रिपोर्ट। ये तो कच्चा निर्माण था शिव जी का, वो प्राचीन मंदिर आज मतलब कम से कम 50-60 वर्षों से लोग वहाँ पर जाते हैं और कोई बहुत विशाल नहीं है, ओटला बना हुआ है और शिवलिंग के और घास फूस की छांव करी वो भी अभी की थी इन्होंने ताकि भगवान को धूप न लगे। अब इनके इतने अच्छे विचार होने के बाद में यदि ऐसी कार्रवाई की जाए और थोड़ा सा क्या है कहीं कहीं मानवता को झटका लगता है। दूसरा विषय ये सर की जो स्थान है यहाँ पर कम से कम 200-300 बच्चों को शिक्षित किया जाता है धर्म के प्रति। कहाँ पर ये आश्रम में बच्चे आते हैं सर? हर गुरुवार के दिन ध्यान केंद्र लगता है सर, कोई बहुत आगे पूजन होती है सर, बना हुआ है बाबा जी दरबार में राम बाबा जी महाराज जी बुलाए जाए क्या? अच्छा अच्छा, पुजारी भाई का भाई तुम पुजारी बन, हमने तुमको रोटी भी उनको खिलाते हैं, माता जी रोटी बना के खिलाते हैं, रोटी बना के खिलाते हैं। अच्छा कहा, और बच्चों को शिक्षा देते हैं। हमारा बच्चा बच्चों को शिक्षा देते हैं, धर्म के प्रति जागरूक करते हैं। और सर गांव में मंदिर हो तो गांव की भी रौनक रहती है, गांव में अच्छे के लिए। और सर रोज कम से कम 100-150 लोग सब रोज सुबह शाम हो जाके पूजा पाठ भी करते हैं, छोटे छोटे बच्चे। इन लोगों ने जाम भी लगाया तो हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन करते हुए लगाया, गाली गलौज या कोई नारा प्रशासन ने नहीं लगाया, हरे राम हरे संकीर्तन कर रहा है। अच्छी चीज है, ये सब चीज सद्भावना वाली है। अपन इस पे है ना वैधानिक कार्रवाई करते हैं, आप मेरे साथ चलिए है ना, और फॉरेस्ट वालों को अपन बुला लेते हैं जी, उसको है ना थोड़ा सा इनका ये उनका उनसे भी उनका वो पूछ लेते हैं क्यों किया क्या। वो भी विभाग है, कोई ना कोई जरूर उनके। सर ये लड़का वीडियो बना रहा था, इसको भी मार के वो छोटा बच्चा कहाँ है उसके सामने शिवलिंग का पांव से आप भी चलिए ना सर। और एक छोटा बच्चे के सामने वो छोटे वाला उसके सामने हिंदू धर्म में किसी देवी देवताओं को लात नहीं मारी जाती सर। वो तो है यार, और उन्होंने लात से लात मारी जाती है, अरे देवी देवता कोई लात मारा सर? कोई विचार नहीं किया जाता, तू बोल रहे बोल के दोषी हो रहा है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, ठीक है इनको थाने बुलवा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।